नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लर्न संस्कृत बी मॉडर्न नाम की एक श्रृंखला चलाई हुई है। आज उसी श्रृंखला की 33वीं कड़ी लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे संस्कृत के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी। डॉक्टर सागर जी संस्कृत के समाचार रेडियो और टीवी पर आप पढ़ते थे, और उसके साथ ही साथ आप संस्कृत में प्रधानमंत्री जी की मन की बात का ब्रॉडकास्ट भी देख रहे हैं। आपने संस्कृत में कई शोध पत्र और पुस्तकें भी लिखी हैं। आइए हम डॉक्टर सागर का स्वागत करें और उनसे जानें कि आज उस विषय में हमें क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अमृतपाल। मित्रों, आप सबका स्वागत है। वयम संस्कृतम पठ आधुनिको भव इति लर्न संस्कृत बी मॉडर्न श्रृंखलाया अंतर्गतम अद्य त्रयस्त्रिंशत्तमं व्याख्यानम पठिष्यामः अपि च श्रोष्यामः। इससे पूर्व मैंने आपको व्यंजनांत शब्दों के रूप चलाने की एक जो प्रक्रिया है उसमें वाच शब्द, जो चकारांत, श्रीमत शब्द तकारांत पुल्लिंग, चकारांत स्त्रीलिंग, महत और भूभृत ये भी तकारांत पुल्लिंग शब्द, सरित और जगत पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि सरित स्त्रीलिंग तकारांत का रूप कैसे चलता है और जगत तकारांत नपुंसक लिंग का रूप कैसे चलता है। और आज के इस व्याख्यान में हमने दो शब्द लिए हैं, आत्मन और युवन। आत्मन नकारांत पुल्लिंग है और युवन भी नकारांत पुल्लिंग है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इनका रूप चलता है और किस तरह से थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आत्मन शब्द माने आत्मा, ये नकारांत पुल्लिंग है, न अंत में है और म में जो अ है वो उपधा संज्ञा उसकी होती है। तो आत्मा, आत्मानो, आत्माना ये रूप हम चलाएंगे। और युवन शब्द मतलब युवा या जवान को कहते हैं, ये भी नकारांत पुल्लिंग है। तो इस तरह से इसके रूप हम देखते हैं। हमारा जो आगामिनी व्याख्यान होगा नेक्स्ट, उसमें हम नामन और अहन ये दो शब्द चलाएंगे। नामन नकारांत नपुंसक लिंग है और अहन माने दिन, अह जो होता है और नाम नाउन को बोलते हैं। तो उसको नकारांत नपुंसक लिंग के रूप कैसे चलेंगे उसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तो आइए थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं। तकारांत स्त्रीलिंग शब्द सरित हमने देखा पिछले व्याख्यान में, सरित सरितौ सरितः सरितम सरितौ सरितः और शेषम रूपम श्रीमत्वत। तो सरिता सरिते सरितः सरितः सरिति हे सरित इत्यादि आपने आवृत्ति की होगी, नहीं किए तो यहाँ आप दोबारा आवृत्ति कर सकते हैं। और इस प्रकार तकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्दों का रूप आप चलाएंगे, प्रयोग में आसान हो जाएगा। सरित के समान और कितने शब्द तकारांत हो सकते हैं स्त्री संस्कृत वांग्मय में? तो जैसे तड़ित है तो तड़ित तड़ितौ तड़ितः तड़ितम तड़ितौ तड़ितः तड़िता तड़िते तड़िता, इस तरह से आप रूप चलाएंगे। और विद्युत तो विद्युत विद्युतौ विद्युतः विद्युतम विद्युतौ विद्युतः और विद्युता। अब यहाँ क्या होता है, त को कभी द भी होता है तो वो विशेष बात होगी, वो विशेष टिप्पणी के साथ मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल सरित की तरह विद्युत का रूप आप चलाएंगे जिसका अर्थ होता है बिजली। और एक शब्द है योषित, जिसका योषा स्त्रीलिंग में होता है तो उसका रूप चलेगा योषित योषितौ योषितः योषितम योषितौ योषितः योषितः योषिते इत्यादि रूप इसका चलेगा। और इसी तरह तकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द जो भी है उनके रूप चलेंगे। और विशेष भूभृत हमने रूप चलाया था जिसका अर्थ पर्वत या राजा होता है, वो तकारांत पुल्लिंग है। तो उसी के समान ये स्त्रीलिंगवाची शब्दों के रूप भूभृत के समान ही चलेंगे। तो अर्थ हुआ कि पुल्लिंग तकारांत शब्द हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों का रूप समान चलेगा। आइए अब तकारांत नपुंसक लिंग जो हमने पिछले व्याख्यान में सुना था और पढ़ा था, जगत जगती जगंती और
प्रथमा विभक्ति एक वचन में विकल्प से तक उद होता तो जगत जगत जगती जगंती जगत जगत जगती जगंती और जगता जगत व्याम जगत भी इस तरह से हमने अभ्यास किया था। ये तकारांत नपुंसक लिंग शब्द है ये इसके समान। तो तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति और संबोधन सब शेषम रूपम श्रीमत्वत चलेगा इसका। इसी प्रकार सभी नपुंसक लिंगवाची तकारांत शब्दों के रूप चलेंगे। केवल एक जगह महत में महान महांतो महांतः पुल्लिंग में, महती महत्यो महत्या स्त्रीलिंग में और नपुंसक में श्री महत जब है महत महती महंती होना चाहिए जगत जगती जगंती की तरह, लेकिन महांती होता है क्योंकि उपधा का रस्वनी मतलब दीर्घ हो जाता है यूं हम समझ सकते हैं। तो प्रथमा और द्वितीय में रूप महांती बनेगा ये हमने केवल ध्यान रखना है महत के नपुंसक लिंग के रूप चलाते हुए, बस इतना ही है इसमें। अब आइए नकारांत आत्मन शब्द जो है उसका रूप चलाते हैं। ये पुल्लिंगवाची है और न जिसे अंत में हो, लेकिन नकारांत और शब्द भी आएंगे लेकिन अन है ये, तो ये कैसे इसके रूप चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आत्मन माने आत्मा, संस्कृत वांग्मय या भारतीय वांग्मय में आत्मा शब्द का बड़ा महत्व है। हम बार बार प्रयोग करते हैं आत्मा परमात्मा जीवात्मा इस तरह से दुरात्मा महात्मा। तो ये आत्मन को आप तो समझते ही होंगे, विद्वान लोग समझते होंगे, लेकिन मुझे जो गुरु कृपा से आचार्यों के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो समझ आई है कि अद धातु भक्षण अर्थ में है, अत्ति अत्ति माने खाता है, अश्नाति भक्षण करता है, तो उसी से आत्मन शब्द बनता है। प्रत्यय होता है अत से आत्मन, यानी जो भोगता है जो भोग करने वाला है जो अपने कर्मों का भोग करता है जो इस संसार में आकर सुख दुख भोगता है उसको आत्मा बोलते हैं, और वो परम से जब अलग हो जाता है तो उसको हम जीवात्मा कहते हैं। और परम माने जो कॉस्मिक संपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो परमात्मा कहलाता है। इतना समझने के लिए काफी है जो मैं समझा हूं कि आत्मा माने प्रत्येक जीव को हम आत्मा कह सकते हैं। तो ये नकारांत है और पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा आत्मा आत्मानौ आत्मानः, ये प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन में, और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन में आत्मानम आत्मानौ और बहुवचन में आत्मनः। यहां म में जो दीर्घ होना था उपधा वो नहीं हुआ, आत्मनः आत्मन शब्द है अन्न है, तो जब म का अदीर्घ हो जाता है प्रथमा विभक्ति तीनों वचन और द्वितीय विभक्ति का प्रथम और द्विवचन में, यानी पांच रूप बनेगा जिसमें म दीर्घ होगा, आत्मा आत्मानौ आत्मानः आत्मानम आत्मानौ, ये पांच रूप, और छठा रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आत्मनः, और इसके बाद जितने रूप है सब में म ह्रस्व रहेगा, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः तृतीय विभक्ति के तीनों रूप, चतुर्थी विभक्ति के तीनों रूप आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः, पंचमी विभक्ति के तीनों रूप आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः, षष्ठी आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम, और सप्तमी में आत्मनि आत्मनोः आत्मसु, संबोधन हे आत्मन हे आत्मानौ हे आत्मानः। संबोधन एक वचन में अंतर है, प्रथमा विभक्ति में आत्मा होता है, यहां हे आत्मन हे आत्मानौ हे आत्मनः। और इसी तरह नकारांत जितने भी शब्द होंगे जैसे अध्वन अश्मन ब्रह्मन, ब्रह्मन माने ब्रह्मा अश्मन माने पत्थर अध्वन माने मार्ग, ये तीन शब्द उदाहरण के रूप में दिए हैं, तो ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्मानः। अब इसमें द्वितीय जो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में अण हो जाता है क्योंकि ब में र है और एक सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी का रसाभ्याम नो अणः, रकार और शकार के बाद जो न आएगा अट कुप्वांगनुम व्यवायेपि, इतने व्यवधान होने के बाद तो न को अण होता है, तो ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्मानः ब्रह्मानम ब्रह्माणौ और द्वितीय बहुवचन में ब्रह्मणः
ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभि ब्रह्मणे ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्यः ब्रह्मणः ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्यः ब्रह्मणः ब्रह्मणोः ब्रह्मणाम। ये षष्ठी तीनों वचन में हो गया। सप्तमी विभक्ति ब्रह्मणि ब्रह्मणोः ब्रह्मसु हे ब्रह्मन् हे ब्रह्माणौ हे ब्रह्माणः। ये ब्रह्मन् शब्द का रूप। ब्रह्मन् शब्द में ब्रह्मावाचक जो अर्थ है पितामह ब्रह्मा को भी कहते हैं, और ब्रह्म तत्व वो नपुंसकलिंग में उसका रूप ब्रह्म का चलेगा, अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं वो, तो वो नपुंसकलिंग वाची है क्योंकि ब्रह्म की कोई अपना जेंडर नहीं है, इसलिए उसको ब्रह्म नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। अश्मन शब्द है माने पत्थर, अश्मा अश्मानौ अश्मानः अश्मानम अश्मानौ और अश्मनः द्वितीय बहुवचन है, अश्मना अश्मने अश्मना। इस तरह से अभ्यास करके आप रूप नकारांत पुल्लिंग वाची शब्द जो व्यंजनांत है उसका। अध्वन माने रास्ता, अध्वा अध्वानौ अध्वानः अध्वानम अध्वानौ अध्वनः अध्वना अध्वने अध्वना, इस तरह से रूप चलेगा। लेकिन एक शब्द है राजन, राजन माने राजा, तो वो राजन शब्द भी नकारांत पुल्लिंग है, तो इसका रूप भी आत्मन ब्रह्मन अश्मन अध्वन के समान चलना चाहिए। लेकिन एक सूत्र है जो राजा को कुछ विभक्तियों के कुछ रूप में अलग कर देता है, तो वो क्या क्या हो सकता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे हम रूप चलाएंगे राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ, ये समान चलेगा आत्मा के सब समान, अश्मन के समान, ब्रह्मन के समान। लेकिन द्वितीय विभक्ति बहुवचन में होगा राज्ञः, तृतीय विभक्ति एक वचन राज्ञा राजभ्याम राजभि, चतुर्थी एक वचन राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः, पंचमी एक वचन राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः, षष्ठी एक वचन राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम। षष्ठी तीनों वचनों में विभिन्न हो जाएगा, राजनी राज्ञी ये विकल्प से बनता सप्तमी एक वचन में, राजनी बनेगा विकल्प से राज्ञी राज्ञोः, सप्तमी द्विवचन राजसु, हे राजन हे राजानौ हे राजानः। जो लाल रंग में है वो अलग बनेगा, इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि राजनः बनना चाहिए तो वहां राज्ञः हो गया, ज के अ का लोप होने से ज और न वो मिलके ज्ञ होता है, न को य हो जाता है और ज और य संयुक्त जब होंगे तो ज्ञ होगा। इस तरह से राजसु, अब ये राजसु राजाओं में या राज्यसभा में भी कह सकते हैं, और भर्तृहरि जी ने प्रयोग किया है विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः, विद्या का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा है विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। तो राजसु राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन हे राजन हे राजानौ हे राजानः नकारांत पुल्लिंग शब्द है, किंतु द्वितीय बहुवचन में, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन में, षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में, सप्तमी विभक्ति एक वचन विकल्प से और द्विवचन में, ये इतना अंतर आता है, बाकी नकारांत पुल्लिंग के समान इसका रूप चलेगा। अब एक और शब्द का रूप चला लेते हैं इस क्रम में और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। युवन शब्द है, ये भी नकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप चलेगा युवा युवानौ युवानः युवानम युवानौ। ये पांच रूप तो एक तरह से व के अ को दीर्घ हो जाता है। इसके बाद द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यूनः और इसी तरह आगे यूना युवभ्याम युवभि यूने युवभ्याम युवभ्यः यूनः युवभ्याम युवभ्यः, षष्ठी में यूनः यूनोः यूनाम यूनि यूनोः युवसु हे युवन हे युवानौ हे युवानः संबोधन में बनेगा। तो ये नकारांत पुल्लिंग युवन शब्द है, ठीक आत्मा की तरह ही चलेगा, लेकिन इसका जो यू है आरंभ का यू उसको दीर्घ होता है क्योंकि व आगे जो है उसके कारण रूप में परिवर्तन होता है। वो व्याकरण की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन आपने इतना ध्यान रखना है कि युवा युवानो युवाना है युवानम युवानो, ये पांच में इसी तरह रूप चलेगा, उसके बाद यू दीर्घ हो जाएगा यूना यूना यूने, इस तरह से रूप चलेगा और संबोधन में हे युवन हे युवानो हे
युवानः चलेगा। एवं ही श्वन, श्वा श्वानौ श्वानक कुत्ते को बोलते हैं, श्वा कुकुरः। लेकिन ये नकारांत पुल्लिंग होने पर भी इसके कुछ रूप भिन्न होंगे जिसको हम आगामी व्याख्यान में लेंगे। और इस प्रकार हमारा व्याकरण का क्रम यहाँ पूरा हो गया है। अब हम द्वितीय क्रम कथा कौमुदी लेते हैं और इसमें राज्ञो दिलीपस्य गौ सेवा, राजा दिलीप की गौ सेवा का इसमें महत्व बताया गया है। महाकवि कालिदास ने ग्रंथ लिखा है रघुवंश। जैसे आदिकवि वाल्मीकि, उन्होंने रामायण पर, जिसको हम वाल्मीकि रामायण से जानते हैं, जिसको आदिकाव्य कहते हैं, उसकी बड़ी रोचक और मनोरंजक कथा है, हृदय को छूने वाली है, कि वो एक बार बैठे थे और नारद ऋषि आए तो देवर्षि नारद को महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं कि इस समय संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुणवान है, श्रीमान है और निर्दोष है और बहुत ही लोकप्रिय है, ऐसे प्रश्न करते हैं। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि अभी रघुकुल में एक राम नाम का दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन है, जिनमें ये सारे गुण है। ऐसा करके, उनकी पूजा करके देवर्षि नारद की, वो चले जाते हैं अपने लोक में और वाल्मीकि तमसा नदी, गंगा नदी के पास है, वहाँ स्नान करने जाते हैं। तो जब स्नान करने वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक क्रौंच पक्षी, क्रौंच नाम है पक्षी का, वो हमेशा नर मादा साथ में रहते हैं, युग्म जोड़े में रहते हैं, और वो विहार नदी किनारे कर रहे होते हैं। तो एक शिकारी जो है व्याध, वो तीर चला के उसमें जो नर क्रौंच था उसको बींध देता, मार देता है, और उसको मरा हुआ घायल देखकर जो क्रौंची है वो करुण विलाप करती है अपना जो नर प्रियतम है उसके खो जाने से। तो उस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि ऋषि के मन में करुणा पैदा होती है और करुणा से उनको क्रोध आता है, और वो जो व्याध है बहेलिया, उसको कहते हैं मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमह शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका अर्थ के सीधा सा अर्थ है, एक तरह से उनका जो आक्रोश है, करुणा से उत्पन्न आक्रोश, उससे वो कहते हैं हे निषाद, हे पारधी बहेलिया, मां नहीं, हे निषाद, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमह, तुम किसी भी तरह की प्रतिष्ठा माने जीवन का सुख तुम्हें ना मिले, स्थिरता ना मिले। शाश्वती समा, हजारों वर्षों तक तुम दुखी रहोगे। क्यों? यत, क्योंकि क्रौंच मिथुनात, क्रौंच पक्षी का जो जोड़ा है, मिथुन है दोनों का युग्म, उसमें से एकम अवधि ही, एक को तुमने मार डाला। कैसा? काम मोहितम, वो अपनी रति क्रीड़ा में, अपने साथ आनंद में वो दोनों थे और उसको तुमने मारा है, तो तुम्हें बहुत इसका जो है, ये तुम्हारा दुष्कर्म पाप कर्म है और उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ऐसा कह के स्नान करते हैं, लेकिन मन में यही ये श्लोक, ये अनुष्टुप छंद में श्लोक है, गीता हम पढ़ते हैं तब तो अनुष्टुप छंद जैसे बताते हैं, इससे पहले सारे वैदिक छंद थे, ये छंद अनुष्टुप छंद लौकिक छंद है। इसमें उनकी सहज जो वाणी निकली, नाद ब्रह्म के रूप में नाभि से जो वाणी निकली, कहते जब स्नान करके वापस लौटते हैं तो पितामह ब्रह्मा आके कहते हैं थोड़े समय पहले आपने नारद से जिनका गुण सुना, जिनकी बात यश सुना, उन पर महाकाव्य लिखो इसी छंद में जिसमें अभी तुमने इस पारधी को शाप दिया है। और इस प्रकार से आदिकवि वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं, उस रामायण को हम आदिकाव्य मानते हैं। उसके बाद तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, महाकवि वाल्मीकि ने आदिकाव्य में राम को नरोत्तम कहा, भगवान का अवतार नहीं माना है, लेकिन उसके बाद में राम को अवतार के रूप में अन्यान्य कवियों ने अपनी अपनी भाषा में उनको प्रतिष्ठित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम ले तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, इस प्रकार से कह के वो ईश्वर के रूप में, सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में उनको वर्णित करके उनके एक अवतार के रूप में महाकाव्य रामचरितमानस लिखते हैं। तो अनेक भाषाओं में अनेक रामायण, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ईश्वर के रूप में, अवतार के रूप में उनकी कथा लिखी गई है। तो महाकवि कालिदास ने भी अपनी कलम चलाई है और उन्होंने रघुवंश महाकाव्य लिखा है।
वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ से वो मंगलाचरण करते हैं कि वाणी और अर्थ जैसे मिला हुआ होता है, एक शब्द बोलते हैं तो शब्द वाणी के साथ हम जो उच्चारण करते हैं और उसका जो अर्थ होता है, दोनों अभिन्न होते हैं। इसी प्रकार इस संसार के माता पिता शिव और पार्वती वो वाणी और अर्थ के समान मिले हुए हैं। वो मेरी वाणी और अर्थ के लिए मुझे प्रसन्न हो, मेरे पे मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे मंगलाचरण करके रघुनाम अन्वयम बक्षे, मैं रघुकुल का जो रघुकुल है उसका वर्णन करता हूँ। लेकिन तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम या पांसु लभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरी वामना। ये कालिदास की उपमाएं हैं, वो हम इसी कथा में देखेंगे कि उनकी उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा के बारे में विद्वान लोग कहते हैं अद्भुत उनकी उपमाएं होती है, सिमिली अद्भुत होती है। तो वो कहते हैं कि कोई वृक्ष है, उसमें फल लगा है, उस फल को तोड़ने के लिए ऊंची बाह करके, बड़ा आदमी तो तोड़ सकता है लेकिन मैं वामन हूं, मैं छोटा हूं और रघुकुल है वो पेड़ पे लगा हुआ फल है, तो उसको मैं कैसे पा पाऊंगा क्योंकि मैं तो वामन हूं, अल्प बुद्धि हूं। और वो कहते मेरे से जो पूर्व सूर्य भी, मेरे से जो पूर्व हो गए हैं आदिकवि वाल्मीकि व्यास, उनसे प्रेरणा लेकर भास वगैरह मैं अपना ये रघुनाम अन्वयम बक्षे रघुकुल की बात कहता हूं। उसी में रघुवंश के तृतीय सर्ग में ये कथा है जिसमें राजा दिलीप अपनी संतान नहीं होने के कारण गुरु के पास जाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है, गुरु का महत्व सभी जगह है। गुरु माने बड़ा, गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने हमसे ज्यादा ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति, गुरु माने भारी, कई अर्थ होते हैं। और हमारे यहां गुरु गीता है, उसमें कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वो ब्रह्मा है माने सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, विष्णु है माने उसकी रक्षा करने वाला है, और रुद्र के रूप में, शिव के रूप में संहारक है। यानि शिष्य में योग्यता पैदा करना, शिष्य की योग्यता की रक्षा करना, और शिष्य में कहीं कोई दुर्गुण या दुर्भाव या अल्पज्ञता है तो उसको दूर करना, नष्ट कर देना, ये गुरु का कार्य है। तो इस तरह से गुरु की बड़ी महिमा है। दो तीन दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो इस अवसर पर ये राजा दिलीप की गौ सेवा की कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि किस प्रकार वशिष्ठ के सामने जाके, क्योंकि तो रघुकुल के गुरु है वशिष्ठ, उनके सामने जाके दिलीप अपनी मन की वेदना प्रकट करते हैं कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है। आइए कथा देखते हैं किस प्रकार से आगे चलती है। राजा दिलीप प्रसिद्ध शासक तपस्वी आत्मज्ञाता एवं दयावान दया दान गुणशील संपन्न महान पुरुष आसीत। महाकवि कालिदास की जो भाषा है उसी का एक तरह से ये अनुवाद है, सरलीकृत, सरल सिंप्लीफाइड है कि राजा दिलीप रघुकुल में, क्योंकि हरिश्चंद्र से लेते हैं भगीरथ अंशुमान, ये सारे जो हैं सगर, ये रघुकुल के राजा हैं, दिलीप आज दशरथ ये सारे, इसी में बाद में राम और उनके पुत्र, तो ये रघुकुल है। और गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध गोस्वामी जी की पंक्ति है, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय अरु बचन न जाई, ये आप जानते हैं। तो दिलीप प्रसिद्ध शासक, ही वॉज ए वेरी पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेटर किंग, तपस्वी, और तपस्वी भी, राजा लोग तपस्वी होते हैं, अगर वो तप नहीं करेंगे तो राज्य श्री को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तपना पड़ता है। आत्मज्ञाता, उनको अपनी अपने गुण अवगुण का ज्ञान था। दया दान गुणशील संपन्ना, उसमें दया भी थी, चैरिटी दान देने का गुण था, शील था, चरित्र था। महान पुरुष आसीत, उदार व्यक्तित्व था उनका। सह सूर्यवंशे उत्पन्न, सूर्यवंश में पैदा हुए थे, क्योंकि भारतीय सृष्टि क्रम, विज्ञान अपनी जगह बिग बैंग थ्योरी को मानता है, भारतीय पुराण और भारतीय विज्ञान इसको दूसरी तरह चंद्रमा और सूर्य से सूर्यवंश और चंद्रवंश पैदा हुआ ऐसा मानता है। तभी महाकवि कालिदास कहते हैं क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषयामति, कहां तो सूर्य से पैदा
पैदा होने वाला रघुवंश और कहां मैं अल्पमति, मैं कैसे इसका गुण बखान कर पाऊंगा, वर्णन कर पाऊंगा, कालिदास की विनम्रता। तो सह दिलीप सूर्यवंशे, सूर्यस्य वंश, सूर्यवंश सूर्य के वंश में उत्पन्न हुआ, महाप्रतापी सम्राट आसीत, सम्राट महाप्रतापवान। सह सर्वसुख संपन्नोपि, उसके पास सभी सुख था, अपि फिर भी परम दुखित आसीत, फिर भी एक दुख था जो उसको सालता रहता था। सह क्या दुख था, अपुत्र आसीत, उसको कोई संतान नहीं थी, बड़ी उम्र हो गई फिर भी कोई संतति नहीं हुई। शास्त्रम कथयति, शास्त्र में जो हमें जीवन का मार्ग निर्देश करते हैं उसमें कहा है अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जो अपुत्र है संतति रहित है उसकी सदगति नहीं होती है। स्वर्गो नैव च नैव च, और उसको परम सुख नहीं मिलता है, स्वर्ग का सुख नहीं मिलता है। सह पुत्राभावात्, वो पुत्र के अभाव के कारण सर्वदा दुखम अनुभवति स्म, सर्वदेव दुखम अनुभवति स्म, दुख उसको अनुभव करता था। सह पत्न्या सह, वह पत्नी के साथ, पत्नी का तृतीय विभक्ति एक वचन, सह साकम सार्धम, इन सब के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, पत्न्या सह पत्नी के साथ। पुत्रेच्छया, पुत्रस्य इच्छा, पुत्रेच्छा तया पुत्रेच्छया, पुत्र की इच्छा के कारण गुरोः, गुरु शब्द का षष्ठी एक वचन, गुरोः वशिष्ठस्य आश्रमम जगाम, गम धातु का परोक्ष लिट, प्रथम पुरुष एक वचन, जगाम जगमतु जगमु, वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए दिलीप राजा। तत्र सह गुरुम प्रणम्य, वहां पर उन्होंने गुरु को प्रणाम करके आत्म दुखम निवेदयामास, अपने हृदय का जो दुख है वो कहा। वेदयति वेदयामास, नि उपसर्ग है, निवेदयामास निवेदन, हिंदी में भी हम निवेदन संवेदन इस प्रयोग करते हैं, निवेदन किया। गुरु उवाच, गुरु ने कहा त्वं गोह सेवाम कुरु, तुम गाय की सेवा करो। ये गो शब्द, गौ गावो गावह, गावम गाओ, गोह और उसके बाद गवा, गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्या, गोह पंचमी और गोह षष्ठी, गोह सेवाम गाय की सेवा कुरु करो, लोट लकार क्री धातु, पुत्रो भविष्यति तुम्हें संतान पैदा होगी। गुरोः आदेशम प्राप्य सह गाम सेवितुम आरभे, गुरु का आदेश प्राप्त करके राजा दिलीप ने गौ की सेवा आरंभ कर दी। राजा दिलीप के साथ उसकी पत्नी सुदक्षिणा भी साथ में थी, उसका उल्लेख कथा में साक्षात नहीं किया है लेकिन रघुवंश में कि दिलीप गए तो साथ में पत्नी को लेके गए और सुदक्षिणा जो उनकी पत्नी और राजा दिलीप वो गाय की सेवा आरंभ करते। कौन सी गाय है, सह नंदिनी इति नामना या गौ आसीत तस्या सेवाम आरब्धवान। मैंने एक बार संदर्भ दिया था किसी व्याख्यान में कि जो कामधेनु समुद्र मंथन के समय निकलती है, जिसको कामधेनु, उसका नाम सुर भी है, उसकी बछड़ी, उसकी जो संतति है गाय दूसरी, उसका नाम नंदिनी है। उस नंदिनी कामधेनु की जो पुत्री है, बछड़ी है, उसका, उसकी सेवा गौ आसीत तस्या सेवाम आरब्धवान, उसकी सेवा आरंभ की। यहां पर हम अल्प विराम लेते हैं और कथा का अगला क्रम फिर लेंगे। Thank you.
वसिष्ठस्य आज्ञानुसारेण नृपः राजा दिलीपः नन्दिन्याः सेवाम् आरभत। तेन साकं तस्य पत्नी राज्ञी सुदक्षिणा अपि आसीत्। प्रत्यहं स गां चारयितुं वने वने निर्याति स्म। प्रतिदिनं गां चारयितुं, गौ को चराने के लिए जंगल में वो वन वन घूमते थे और गाय की सेवा करते थे। कालिदासः, महाकवि कालिदासः स्वरचिते रघुवंश महाकाव्ये दिलीपस्य गोसेवां सम्यक वर्णितवान्। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में दिलीप की जो गोसेवा है उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। यदा गौः जलं पिबति, यदा नंदिनी जलं पिबति सोपि जलं पिबति। कैसे सेवा की? जब नंदिनी पानी पीती थी तो राजा और रानी ये भी पानी पीते थे। यदा गौः निषीदति, जब गौ चारा चरने के बाद क्लांत होकर बैठ जाती थी तो सोपि निषीदति, राजा भी बैठ जाते थे। यावत् सा व्रजति, जब तक वो चलती थी नंदिनी, सोपि ताम अनुव्रजति, वो भी ताम अनुव्रजति, व्रजति गच्छति, अनुव्रजति अनुगच्छति, उसके पीछे पीछे चलता था राजा और राजा के पीछे सुदक्षिणा। गोसेवा परीक्षणाय एकदा गौः लुप्ता जाता। बहुत समय तक ये क्रम चलता रहा। सुबह होते ही गाय को ले जाते राजा दिलीप और शाम को वापस ले आते। दिलीप के साथ उनकी पत्नी सुदक्षिणा होती और जब नंदिनी पानी पीती, ये राजा और रानी पानी पीते, वो बैठ जाती तो बैठ जाते, वो चलती तो पीछे पीछे चलते, ख्याल रखते उनका। एक बार क्या हुआ कि एकाएक गाय सामने से लुप्त हो गई, एकदम दिखाई नहीं पड़ी। गोसेवा परीक्षणाय एकदा गौ लुप्ता जाता। राजा और रानी जो गौ सेवा कर रहे थे उसके परीक्षण के लिए गौ नंदिनी, क्योंकि नंदिनी अलौकिक गाय है, कामधेनु की बेटी है, उसके पास शक्ति है, योग शक्ति कह सकते हैं, लुप्त हो गई। सिंह प्रकटीभूतः, और वहां पर एक शेर प्रकट हुआ, सिंह मृगपति। सिंह कथयति, अब शेर ने पुरुष की वाणी में कहा, अहम शिवस्य अनुचरः अस्मि, मैं महादेव शिव का अनुचर हूं, सेवक हूं, त्वं माम प्रहर्तुम न शक्नोषि। राजा था, राजा के पास शस्त्र तो होते ही है, जैसे शेर को देखा और शस्त्र तीर चलाने का जैसे अनुसंधान उन्होंने किया तो शेर ने कहा, त्वं माम, तुम मुझे प्रहर्तुम, प्रहार करना, न शक्नोषि, नहीं प्रहार नहीं कर सकते हो। ततः राजा दिलीप, उसके बाद राजा दिलीप ने सिंहम प्रति उक्तवान, सिंह को संबोधित करके कहा, भो देव, क्योंकि अब ये अलौकिक योनि कह सकते हैं, मनुष्य की योनि से दूसरी योनि है, तो वो उसको देव, दिव्यता, दिव्यता है, इसलिए भो देव शेर को राजा दिलीप कहते हैं, माम भुंक्ष्व। अच्छा, दृश्य क्या है? शेर प्रकट हुआ, नंदिनी भी हुई और नंदिनी पर शेर आक्रमण कर रहा है, नंदिनी को खा जाएगा, ऐसा कुछ दृश्य सामने हुआ, तो राजा दिलीप ने कहा, माम भुंक्ष्व, मेरे को तुम खा जाओ, परम त्यज इमाम गाम, लेकिन इस गाय नंदिनी को तुम छोड़ दो, इसको मत खाओ, इसका शिकार मत करो। भो देव संबोधन हो गया, माम भुंक्ष्व, भुज धातु का लोट लकार, मध्यम पुरुष एकवचन, मेरे को खा जाओ तुम, परम त्यज, त्यज धातु का वही मध्यम पुरुष एकवचन लोट लकार, त्यज, मेरे को खा जाओ, लेकिन इमाम गाम त्यज, इस गाय को तुम छोड़ दो। सिंहेन उक्तम, शेर ने कहा, एवमस्तु, अच्छा ठीक है, फिर ऐसा ही हो। राजा दिलीपः सिंहस्य अग्रे शरीरार्पणम कृतवान। राजा दिलीप ने शेर के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, कि तुम मुझे खा जाओ, नंदिनी को छोड़ दो, क्योंकि मैं उसका सेवक हूं, इसके प्राण की रक्षा करना मेरा धर्म है। क्षणांतरे, एक ही क्षण में सिंहस्थाने नंदिनी गौः उपस्थिता, शेर गायब हो गया, लुप्त हो गया और केवल नंदिनी वहां उपस्थित थी।
सा अकथयत। अब नंदिनी राजा को कहती है, इयम तव परीक्षा, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी राजा दिलीप, तुम सफली भूता, तुमने अपने आप को राजा होते हुए भी अपने आप को समर्पित कर दिया, तुम सफल हो गए हो अपनी सेवा में। इदानीम मम पयो दुग्ध्वा पिब, मेरा दूध दोहकर तुम पियो, राजा और रानी दोनों को कहा। तव पुत्रो भविष्यति, तुम्हें तुम्हारे कुल में पुत्र पैदा होगा, संतति होगी। यथा समयम पुत्रः जातः, समय के साथ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, स एव राजा रघु, और उसका नाम उन्होंने रघु रखा, वही राजा रघु है। और रघु इतना प्रतापी था कि उसके बाद ये जो सूर्य वंश था उसको रघुकुल या रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। रघुनामना एव रघुकुलम विख्यातम, रघु के नाम से ही रघुकुल प्रसिद्ध हुआ। रघुवंश महाकाव्ये एकस्मिन् स्थले कालिदासः उपमालंकार चमत्कारम दर्शयति। अब ये इस कथा का जो विशेष महत्व है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि रघुवंश महाकाव्य में एक जगह पर महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप, नंदिनी और उसकी पत्नी सुदक्षिणा, उन तीनों को लेकर जो उपमा चमत्कार का प्रयोग किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या, तदंतरे साविरराज धेनु, तदंतरे साविरराज धेनु, दिनक्षपा मध्यगते संध्या, दिनक्षपा मध्यगते संध्या। किस प्रकार से नंदिनी राजा और सुदक्षिणा रानी, इन तीनों का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं वर्तमनी माने रास्ते में, वर्तमान शब्द से वर्तमनी, नकारांत पुल्लिंग शब्द है। पार्थिवेन, पार्थिव राजा को कहते हैं, पृथ्वी पृथा पार्थिव, पार्थिव माने राज्ञा, राजा ने। प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या, पार्थिव माने राजा की जो धर्मपत्नी सुदक्षिणा थी उससे आगे राजा चल रहे थे और पुरस्कृता आगे गौ चल रही थी। पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या, तदंतरे सा विरराज धेनु, बीच में धेनु थी, या पुरस्कृता वर्तमनी पार्थ, क्षमा करेंगे, वर्तमनी माने रास्ते में, पुरस्कृता पुरह कृतम येना, राजा आगे आगे चल रहे थे, बीच में नंदिनी थी, पीछे सुदक्षिणा थी। तो पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या, तदंतरे सा विरराज धेनु, उन दोनों राजा और रानी के बीच में धेनु माने वो नंदिनी कैसे शोभित होती थी, जैसे दिन और रात्रि, दिन राजा दिलीप आगे, रात्रि सुदक्षिणा, और बीच में संध्या, संध्या का समय होता है, सायंकाल होता है, तो आगे दिन होता है, बाद में रात्रि आती है और बीच में संध्या होती है। दिना क्षपा, क्षपा माने रात्रि, मध्यगता दिन और रात के बीच में जैसे संध्या होती है, ठीक वैसे राजा और रानी के बीच में सुरभि नाम की नंदिनी वीरराज राजते शोभित होती है, उसका लुट परोक्ष लिट में रराज वीरराज ये रूप बना माने शोभित होती थी। इस तरह से महाकवि कालिदास ने उपमा का, उपमा अलंकार का जो प्रयोग किया, जैसे प्रथम श्लोक रघुवंश का हम ले, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वर, पार्वती और शिव वो दोनों वाणी और अर्थ जैसे एक होते हैं वैसे एक समान है और संसार के माता पिता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ भी उपमा अलंकार उन्होंने दिया है। तो महाकवि कालिदास की जो उपमा है उसको
विद्वान लोग उसका महत्व और उसका चमत्कार स्वीकार करते हैं और इसीलिए कहते हैं उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा अद्भुत और चमत्कारपूर्ण मानी गई है। इसी के साथ कथा कौमुदी का एक क्रम पूरा होता है। आगच्छन्तु साम्प्रतं वयं केषाञ्चन संस्कृत वाक्यानां संभाषणं कुर्मः, अभ्यासं कुर्मः, अपि च एतानि वाक्यानि पूर्वमपि अस्माभिः अनेकधा आवृत्तानि, पुनः पुनः अभ्यासेन संस्कृत संभाषणं सरलं भविष्यति इति कृत्वा शुद्धं संस्कृत संभाषणं स्यात् इत्येतदर्थम् अस्माभिः एतेषां वाक्यानां प्रयोगः क्रियते। वाक्यमस्ति तद् अहम् अपि जानामि, वह मैं भी जानता हूँ, आई ऑल्सो नो दैट, तत् अहम अपि जानामि, कोई भी पुरुष या स्त्री कोई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अहम में पुल्लिंग में भी अहम होगा, स्त्रीलिंग में भी अहम होगा, तद् अहम अपि जानामि। इट इज नॉट दैट नेसेसरी, उतना जरूरी नहीं है कहना हो तो तावत आवश्यकम न। अब ये न है, नास्ति भी हो सकता है, न अस्ति, न वर्तते, लेकिन केवल इतना कहने से ही हमारा जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। तावत आवश्यकम न, नैव, न अस्ति इत्यादि, तावत उतना या जितना हम परिमाण कह सकते हैं। अगर तावत में भी अगर आप कोई जेंडर का प्रयोग करना चाहे तो तावान और तावती भी हो सकता है, तावान पुल्लिंग में और तावती स्त्रीलिंग में। भवतः का हानि, आपने क्या खोया, आपको क्या लॉस हुआ, व्हाट डू यू लूज, उसके लिए भवतः का हानि का प्रयोग। सा किम पृच्छति, वह क्या पूछ रही है, व्हाट डज शी आस्क, और पुल्लिंग है तो सह किम पृच्छति, आप जानते ही है। अहम भवंतम न त्यजामि, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और स्त्रीलिंग में छोड़ूंगी, आई विल नॉट लीव यू, तो लिंग यही रहेगा अहम भवंतम। अगर कोई महिला है जिसको छोड़ना है तो भवतीम हो जाएगा, भवत शब्द का रूप सर्वनाम में हमने चलाया, भवान भवंतो भवंता, और स्त्रीलिंग में भवती भवत्यो भवत्या इत्यादि आप जानते हैं। फलम तो खादतु, फल तो खाइए कहना हो, भोजन तो करिए, भोजनम करो तु, फलम खादतु, जलम पीबतु, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में, एटलीस्ट ईट सम फ्रूट इस अर्थ में। तिष्ठतु इदानीमेव ददामि, कोई मांग रहे हैं ठहरिए मैं अभी देता हूँ कहना है, प्लीज वेट आई एम गिविंग राइट नाउ। तिष्ठतु माने रुकिए, ठहरिए, प्रतीक्षस्व भी कह सकते हैं, यदि त्वम है तो, भवान है तो प्रतीक्षाम करो तू कह सकते हैं। इदानीमेव ददामु, ददामी अभी मैं आपको देता हूँ, और कहना हो ठीक से रखिए, कीप इट प्रॉपरली, पुट इट प्रॉपरली। सम्यक स्थापयतु, सम्यक समीचीनम समुचितम बाढ़ स्थापयतु, ये सब प्रयोग आप कह कर सकते हैं, नहीं तो गिर जाएगा, अदरवाइज इट विल फॉल, नो चेत पतति, नहीं तो ये गिर जाएगा, नो चेत, नो भी अव्यय है, चेत भी अव्यय है, पतति क्रिया है, नो चेत पतति। पतिष्यति भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा, पतति वर्तमान काल में, पतिष्यति भविष्य काल में है, लेकिन नजदीक वाला भविष्य हो नियर फ्यूचर तो उसमें वर्तमान काल की क्रिया का भी प्रयोग करते हैं व्याकरण के अनुसार। थोड़ा सा लंबा वाक्य, जैसे मैं विद्यालय में पुस्तक लेके जाता हूँ, आई कैरी द बुक टू स्कूल, अहम पुस्तकम विद्यालयम नयामी, ये नय धातु, नयति नयतः नयन्ति, नयामी माने ले जाता हूँ, आई कैरी, तो दो कर्म है, अहम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय कर्म हो गया, पुस्तकम विद्यालयम नयामि माने विद्यालय को पुस्तक ले जाता हूं, हिंदी में हम बोलेंगे विद्यालय में पुस्तक ले जाता हूं, ऐसा। वह संस्कृत समाचार सुनता है या सुनती है कहना हो तो सा संस्कृत वार्ताम श्रृणोति या सह संस्कृत वार्ताम श्रृणोति, शी लिसन्स टू संस्कृत न्यूज और ही लिसन्स टू संस्कृत न्यूज, बहुत सरल है। आई विल सेंड हिम, मैं उसे भेज दूंगा या भेजूंगा। अहम तम प्रेषयामी या प्रेषयिष्यामी, अहम प्रेषयिष्यामी, अहम तम प्रेषयिष्यामी, अहम ताम प्रेषयिष्यामी, इस तरह से एक ही भाव को प्रकट करने का जो वेरिएशन होता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। माँ कपड़े धो रही है, द मदर वॉशेज क्लोथ्स, माता वस्त्रम प्रक्षालयति। अब यहां पर हमें टेक्निकली अगर कहना है तो माता वस्त्राणि प्रक्षालयति, क्योंकि कपड़े बहुवचन है, लेकिन बोलचाल की भाषा में आप वस्त्रम भी कह सकते हैं, वस्त्राणि भी कह सकते हैं, ये सुविधा है।
आप सवेरे कब उठते हैं या उठती हैं कहना हो तो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, तिष्ठति माने रुकता है, उत्तिष्ठति माने उठता है, उत उपसर्ग, 22 उपसर्ग आपके सामने मैंने कई बार इसको रिपीट किया है, प्र परा अप अनु औ निस् निर्दुष दुर्वि आंग अधि अपि अतिसु उत अभि प्रति परि उप इत्यादि जो उपसर्ग है, जो संस्कृत की शब्द निर्माण की जो कार्यशाला है उसके प्रमुख साधन, तो क्रिया के सामने तिष्ठति, अभी हमने राज्ञः दिलीपस्य गोसेवा में यदा नंदिनी तिष्ठति राजा अपि तिष्ठति इस तरह से किया है, तो वो रुकता है, उत्तिष्ठति उठता है, संतिष्ठति ठहर जाता है, इस तरह से उपसर्ग लगाते जाइए, प्रीफिक्स और अर्थ धातु का बदलता जाएगा। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति होना चाहिए, तमे ई नहीं है, आप सवेरे कब उठते, भवत्याह नाम न स्मरामि या भवतः नाम न स्मरामि, आपका नाम मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर योर नेम, तो भवत्याह नाम स्त्रीलिंग में और भवतः नाम पुल्लिंग में, इस प्रकार से हमने कुछ वाक्यों का अभ्यास किया। अब गीता के हम 3 श्लोक लेंगे, एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति इति श्लोकत्रयम् नीत्वा वयम् अग्रे सरामः, क्यों कि ये 3 श्लोक प्रथम अध्याय के हैं और इसमें अन्वयी है, अन्विति है, जिससे हम 3 को एक साथ लेना होगा। और अर्जुन उवाच, जैसे संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, संजय पहले, धृतराष्ट्र ने कहा कि यहाँ कुरुक्षेत्र में क्या रहा, संजय मुझे बताओ, फिर संजय वर्णन करते हैं और अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। ये श्लोक 21वां यहां पूरा हो गया, क्योंकि इससे पहले हमने 1.5 श्लोक लिया था, 20 और आधा धनुरुद्यम्य, तो वहां से अब अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके जाओ, हे अच्युत, माने कृष्ण का संबोधन है, यावदेता निरीक्षे हम, जब तक मैं इनको देखूं, किनको, युद्धकामान अवस्थितान, जो लड़ाई के लिए तैयार हुए सैनिक है, कौरव की जो सेना है उसको मैं देखना चाहता हूं, केर्मया सह योद्धव्यम असमिन रण समुद्यमे, ये जो रण समुद्यम यानी रणांगण है जिसमें लड़ने के लिए सब तैयार है, सेना तैयार हो चुकी है, उसमें केर्मया सह, मया कई सह योद्धव्यम, मैं किसके साथ लड़ूंगा वो मुझे देखना है, योच्यमानानवेक्षे हम, जो लड़ाई के लिए तैयार मेरे से लड़ेंगे उनको मैं देखना चाहता हूं, ये तेत्र समागता, जो यहां आए हुए हैं, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहां पर अर्जुन ने कौरव की जो सेना है उसको दुर्बुद्धि कहा है, माने जिनकी बुद्धि का जो विवेक है वो समाप्त हो गया, ऐसे धृतराष्ट्र की जो ये सेना है, और वो प्रिय चिकीर्षवः, जो उसका प्रिय करना चाहते हैं राजा धृतराष्ट्र का और युद्ध करना चाहते हैं, वो कौन कौन है जिसके साथ मुझे लड़ना है, आप मुझे मेरा रथ ले जाकर वहां रखिए जहां से मैं इनको दोनों सेना के बीच में रख के मैं इनको देख सकूं। अब हम संधि विच्छेद और समास पद ये सब देखेंगे, पहले हम संधि विच्छेद करते हैं, सेनयोर उभयो था तो जो विसर्ग का र बना था जिस जो उ में मिल जाता तो सेनयोर उभयो हो जाता है, यहां संधि विच्छेद करके सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय समान है, मेच्युतः ममे एक में अच्युत का आ पूर्व रूप हो गया था तो यहां संधि विच्छेद में मे अच्युतः हो जाएगा। अगली पंक्ति अगला चरण श्लोक का यावद एतान, यावत एतान था द तको द होके ए में मिल जाएगा, यावद एतान निरीक्षे हम, निरीक्षे अहम, इक्ष धातु का
निरीक्षे अहम, उत्तम पुरुष एक वचन में, निरीक्षे अहम लट लकार में, तो यहाँ भी क्ष में ये था, उसमें अपूर्व रूप हो गया था संधि विच्छेद में, निरीक्षे अहम योद्धुकामान अवस्थितान। योद्धुकाम शब्द अकारांत शब्द है, द्वितीय बहुवचन में योद्धुकामान, योद्धुकाम, योद्धुकामौ, योद्धुकामा, योद्धुकामम, योद्धुकामौ, योद्धुकामान अवस्थितान। तो कामान का न अ में मिला था, उसको अलग कर दिया, तो योद्धुकामान अवस्थितान हो गया। तीसरा जो मतलब श्लोक का चरण है, कई मया सह योद्धव्यम, तो कई का जो विसर्ग था वो र होकर रुत्व होकर म के ऊपर हमको दिखता है, उसको अलग कर तो कई ही मया, कैर मया हम बोल रहे थे संधि विच्छेद में, कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन, तो योद्धव्यम का म तव्यत प्रत्यय युद्धातु को हुआ है, और अस्मिन जो है अस्मत शब्द का सप्तमी एक वचन अस्मिन, क्षमा करेंगे, इदम शब्द का सप्तमी एक वचन अस्मिन, और योद्धव्यम का म अस्मिन के अ में मिल जाएगा, योद्धव्यम अस्मिन इदम का सप्तमी एक वचन। रण समुद्य में वो बराबर है, चलेगा, कोई संधि विच्छेद नहीं करेंगे। योत्स्यमानान अवेक्षे, अवेक्षे ईक्ष धातु उपसर्ग पूर्वक, योत्स्यमानान द्वितीय बहुवचन में, तो न अ में मिलता मिल जाएगा, योत्स्यमानान अवेक्षे संधि थी उसको अलग कर दिया, अवेक्षे हम अहम अपूर्व रूप था उसको अलग कर दिया, ये एते अत्र समागता, या एते यहां एचो यवायाव से ये के ए को ऐ हो जाएगा, य का लोप हो जाएगा, या एते रूप चलेगा, तो ये संधि विच्छेद करने पर ये दिखाई देगा, अत्र और एते तो त में ए की वजह से अपूर्व रूप हो जाएगा, एतेत्र था उसको अलग कर दिया, एते अत्र समागता धार्त्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवा, इसमें कोई संधि नहीं है। इस तरह से हमने संधि विच्छेद करके देखा अलग अलग क्या क्या शब्द रखे हुए हैं। अब हम वाक्यांश को देखेंगे और संबंध सूचक कौन कौन से क्रियापद है, धातु साधित है, कर्तृपद है, कर्मपद है, पूरक है, इसको देखेंगे। अन्वय हमने किया, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अच्युत उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथम स्थापय, ब्रैकेट में तावत जिसका हमने अध्याहार किया, हे अच्युत हे कृष्ण, उभयोः सेनयोः दोनों सेनाओं के मध्य में मे रथम मेरा रथ तब तक आप स्थापय ले जाइए, यावत अहम, यावत है तावत नहीं है, तो तावत का अध्याहार हो जाएगा, यह संस्कृत ग्रामेटिकल जो मैथमेटिकल स्वरूप है इसकी वजह से, केवल यावत कहा तो तावत अपने आप वहां अर्थ जुड़ जाएगा, अहम एतान अत्र अवस्थितान योद्धुकामान निरीक्षे, जब तक कि मैं यहां पर जो आए हुए हैं और लड़ाई के लिए तैयार है उनको देखूं, देखता हूं, ये एते धार्त्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, ये क्यों यहां आए हैं, कारण दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र की सेना जिसकी दुर्बुद्धि विवेक नष्ट हो गया है युद्धे, और वो कहते युद्ध करके हम उनको प्रिय चिकित्सवा है और समागता माने आए हुए हैं, यावत अहम तान युत्स्यमानान अवेक्षे, तब तक मैं इनको लड़ाई करने के लिए जो तैयार मन बना चुके हैं उनको देखता हूं, और कई सह मया अस्मिन रण समुद्य में योद्धव्यम, और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मुझे इस रण समुद्यम में, रण की युद्ध की तैयारी जो हो चुकी है उसमें मुझे किसके साथ लड़ना होगा, ये पूरा अन्वय हमने किया। अब विस्तार से केवल संक्षेप में मैं आपको बताता जाता हूं, समय भी पूरा होने जा रहा है, तो दो मिनट के अंदर मैं आपको, अर्जुन उवाच ये प्रधान वाक्यांश है, क्रियापद उवाच है, अर्जुन कर्तृपद है अर्जुन, और वाक्य बनेगा, हे अच्युत उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथम तावत् स्थापय, ये कर्मपदवाचक गौण वाक्यांश है, और स्थापय क्रियापद है, यहां भी त्वम ये कर्तृपद का अध्याहार करेंगे, रथम स्थापय कर्म है रथम, यावद अहम एतान अत्र अवस्थितान योद्धुकामान निरीक्षे, ये क्रिया विशेषण हो गया गौण वाक्यांश, संबंध सूचक यावत है, क्रियापद निरीक्षे, कर्तृपद अहम, और
कर्मपद एतान हो जाएगा। ये एते धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः समागताः। ये विशेषणात्मक धातु साधित समागताः, सम उपसर्गपूर्वक और आ उपसर्गपूर्वक गम धातु से समागता हो जाएगा, ये संबंध सूचक है। और वाक्यांश एतान यावद अहम तान योत्स्यमानान अवेक्षे च इति क्रिया विशेषणात्मक अध्याहृत यावत हो जाएगा, क्रियापद अवेक्षे हो जाएगा। इस तरह से व्याकरण से हम पूरे श्लोकों को देखेंगे और देखने के बाद अर्जुन की व्याख्या करते हैं। आप जानते हैं नेम ऑफ थर्ड पांडव, पुल्लिंग विशेष नाम है, उवाच वच धातु, टू से टू स्पीक धातु से, परोक्ष भूतलीट, सैनयो सेना शब्द आकारांत स्त्रीलिंगवाची है, आर्मी के लिए है, इसका षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप, इस तरह से इसका हम अर्थ करेंगे। कुछ टिप्पणी भी अगले व्याख्यान में देखेंगे। समय यहीं पूरा होता है, यहीं पर इस व्याख्यान को हम संपन्न करते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, आपने संस्कृत के बारे में कुछ नया सीखा होगा। इसी बात पर हम डॉक्टर सागर जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों में आगे दीजिए, धन्यवाद।